ंग तिवारी महाकाल ट्यूटो आज क्वेश्चन है हमारे पास में ये हर बार की तरफ में तीन क्वेश्चन आपके सामने इस बार और लेके आया हूँ जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है और uh, काफी पेरेंट्सों के बहुत मन में बहुत सारी uh, जिज्ञासा है इस समय तो अपने जवाबों के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी काफी हद तक क्यूरियोसिटी को कम किया जाए ठीक है तो तीन क्वेश्चन है अगर ये देखो वीडियो लंबा होगा या छोटा होगा ये डिपेंड करता है कि मेरी बात आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है एक समाधान के रूप में या नहीं ठीक है हमें उस चीज को समझना है तो मेरे प्यारे बच्चे और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स पहला प्रश्न था कि जानिए किस क्लास से आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू कराना चाहिए प्रीवियस कुछ वीडियोस को देखने के बाद में पूरे इंडिया से जहां जहां से हमारे पास कॉल आ सकते थे ठीक है वहां से हम लोगों के पास कॉल आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर बच्चों को हमें किस क्लास से सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहिए तो देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कक्षा एक से ही आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू कराएं ठीक है या फिर कक्षा तीन से या जो भी हो एक मेरा यहाँ पर आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि दो साल क्लास सिक्स के सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए इनफ है ठीक है अगर बच्चे के पास में दो अटेम्प है तो दो साल पर्याप्त है ठीक है अब क्या होता है कि आप खुद इमेजिन करिए बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में क्या चीजें पढ़ेगा इसको सीधी सी बात है शुरू से तो वो सिलेबस कराएंगे नहीं वो क्या कराएंगे आपको बेसिक चीजें यानी कि आपको हिंदी की किताब पढ़ना सिखाएंगे इंग्लिश की किताब पढ़ना सिखाएंगे मैथ्स की कुछ टेबल्स वगैरह टर्मोलॉजी आपको सिखाएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन जो भी मैथ्स के ऑपरेशन वगैरह हैं वो आपको सिखाए जाएंगे ठीक है तो जब ये सारी चीजें ही हमें शुरू के तीन सालों तक सीखनी है ठीक है या फिर देखो सीधा सा फंडा है आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की चीजों को क्रिटिसाइज करना नहीं है आप समझना आप मेरे से प्रश्न पूछा गया है कि सर बच्चे को किस क्लास से शुरू कराना चाहिए तो शुरू की फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास जो है वहां पर आप भी इस चीज को ध्यान रखना कि हम अगर किसी इंस्टीट्यूशन पचास साठ हजार फीस दे रहे हैं और रिस्पॉन्स हमें केवल ये मिल रहा है तो बेहतर है कि आप जहां कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पर किसी प्राइवेट ट्यूटर को बुलाकर ये सारे की लिखना आना चाहिए इंग्लिश की और इंग्लिश में लिखना आना चाहिए यानी कि सामने वाला क्या बोल रहा है अगर आपका बच्चा एट द मोमेंट उस चीज को इंग्लिश में लिख पा रहा है इट मीनस की सब कुछ सही चल रहा है मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्स ट्वेंटी ट्वेंटी तक उसको टेबल रटाएं ठीक है उसके अलावा कुछ टास्क देना ही नहीं है उसको साथ में राइटिंग पे फोकस जरूर कराएं ठीक है और मैथ्स की ऑपरेशन जो है वो कराएं अब इस तीन साल में अगर बच, आप डेढ़ लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी होम ट्यूटर को बुलाएंगे कहीं पर भी हो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तो ये सारी चीजें आपको टेंथ क्लास यानी कि दस हजार के समथिंग पड़ जाएंगी तो आप यहां पर यह ध्यान रखना कि जब आपका बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में होता है ठीक है तो आप उसकी प्रिपरेशन शुरू करा दीजिए सैनिक स्कूल की आई होप कि मेरे पहले आपने जो मुझसे पहला प्रश्न पूछा था कि किस क्लास से बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू कराना चाहिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बार बार कि दो अटैंप उसके लिए पर्याप्त हैं करने वाला होगा तो पहले अटैम्प में भी कर लेगा लेकिन पहले अटैम्प में करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है कम इन द सेंस ये कि देखो आई लेवल पर डिपेंड करती कुछ चीजें और देखा जाए तो हमारा सिलेबस ठीक है लेकिन दो साल पर्याप्त हैं तो फाइनली कंक्लूड करते हैं अगर आपका बच्चा फोर्थ क्लास में तो आप उसको सैनिक स्कूल तैयारी शुरू करा सकते हैं नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका परसेंटेज रेशो हमने बनाया है ठीक है मेरे बच्चे के सर दो से दो के बीच में नंबर है क्या मुझे कुछ उम्मीद रखना चाहिए ये क्लास सिक्स के पेरेंट्स बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जैसा कि हमने आपका कट ऑफ वाला वीडियो देखा था उसके हिसाब से मेरे बच्चे के नंबर कम है तो पहले तो आप ये ध्यान रखना कि मेरे प्यारे बच्चे और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स अगर आपके बच्चे ने 200 से ज्यादा नंबर स्कूल में आ रहे हैं तो यानी कि उसने कुछ तो सीखा है ठीक है मैं कुछ देख रहा था कुछ वीडियोस में कि बच्चों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यकीन मानना आपका बच्चा अगर एग्जाम में अपीयर हुआ है ना तो बहुत बड़ी बात है आप अपने आप को देख लेना कि हमने हमारे लाइफ का पहला एंट्रेंस एग्जाम कब दिया था तो अगर आपके बच्चे ने सिक्स क्लास में एग्जाम दिया है इट मीनस कि वो बहुत आगे निकल चुका है आपसे ठीक है अब थोड़ा सा बात करते हैं अगर पहला अटेम्प देने के बाद में भी किसी भी बच्चे के

आ, में तक गया था। का जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, होने वाली है तो पहली दूसरी तीसरी काउंसलिंग तो सारी भरनी है फिलअप करना है कि जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस होने वाली है आपको उसमें पूरा पार्टिसिपेट अपने हिसाब से करना है क्या है ना देखो आप यकीन मानना नंबर कैसे आते हैं आप हैं इस चीज को जो बच्चे टॉप के हैं पेरेंट्स का गोल क्लियर कि मुझे तो अपने बच्चे को वहां नहीं भेजते उन्होंने एग्जाम दिया नंबर अच्छे आए और सीट छोड़ दी तो यहाँ पर फिर मौका किसको मिलेगा कम नंबर वालों को तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं आप ट्रस्ट भी यकीन माना पूरे इंडिया में लगभग ट्वेंटी परसेंट पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल और केवल अपने बच्चों को नॉलेज के परपज से एग्जाम दिला रहे हैं देखो सीधी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं यार अपने माँ बाप के आंख के तारे होते हैं तो वो उनको इतनी दूर भेजना नहीं चाह रहे लेकिन बस चेक आउट कराना चाह रहे हैं लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आ, आ, बदलते जमाने के साथ में चल रहे हैं और अपने बच्चों को सच में डिफेंस में उसको भेजना है इस वजह से प्रिपरेशन करा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो काउंसलिंग जो आपके नंबर हैं 210 से लेकर 240 में दो सौ दस वाले को न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा और ट्रस्ट में बहुत जल्दी आपको नए सैनिक स्कूल की लिस्ट बताऊंगा आप उसमें काउंसलिंग में उनको जरूर फिलअप करिएगा और इसके अलावा घबराना नहीं है आप सभी का सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा काउंसलिंग की प्रोसेस जितनी भी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट आप पूरा करना क्या सर एट्थ काउंसलिंग की बात में नहीं होगा होगा अगर देखो फिर एट्थ के बाद में क्या होना सीटें खाली रह जाती हैं वो पर्सनली आपको मेल करेंगे उस स्कूल से जिस स्कूल में सीटें खाली रहेंगी फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा तो 210 से लेकर 240 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको देर सवेर सीट्स मिल जाएंगी ठीक है थर्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली ये कि बच्चों की सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूशन का चयन कैसे करें ये बहुत से पेरेंट्स की क्वेरी थी सर हमने पिछले साल हम फलाने कोचिंग में पढ़ाया था लॉस हो गया है और कुछ सीखा नहीं हमारा बच्चा ये सारी चीजें तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने मन से कुछ कहना यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलता ना कि आरोप प्रत्यारोप क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर लेने वाली बात हो जाएगी तो यहाँ पर मैं अपना मत रखूंगा ठीक है कि बींग पेरेंट्स अगर मेरा मेरा बच्चा मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन भेज रहा हूँ तो मुझे किन किन चीजों को देखना चाहिए सबसे पहली चीज कि क्लास सिक्स के लिए अगर मेरा बच्चा अपियर होने वाला है तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा वहां का फीस स्ट्रक्चर ठीक है कि वहां का फीस स्ट्रक्चर कितना है दूसरी चीज मैं वहां के टीचर्स के बारे में जानना चाहूंगा कि वो जो टीचर्स है उनकी टीम कितनी क्वालिफाइड है ठीक है और तीसरी चीज मैं ये पता करूंगा कि आपके यहाँ से सिलेक्शन कितने हुए जो कि हर पेरेंट्स पूछता है तो आपको यहाँ पर एक बात और बता दू कि सिलेक्शन जो होते हैं अगर मैं आपसे हर बार ही कहता हूँ पढ़ रहे हैं और अगर केवल बीस बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो अस्सी बच्चों की फीस का रिस्पॉन्स क्या है तो फिर शायद मैं यहाँ पर बच्चों का एडमिशन नहीं कराऊंगा किसी इंस्टीट्यूशन मान लो दस बच्चे हैं और दस में से मान लो छह या आठ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को यहाँ जरूर भेजूंगा आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे तो कभी भी मैं इस चीज को फोकस नहीं करता हूँ कि फलानी कोचिंग से इतने बच्चे सेलेक्ट सेलेक्ट हुए हुए नो डाउट अगर कोचिंग से बच्चे से हुए, तो उसमें देखो 500 की भीड़ में बीस बच्चे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर मान लो ही बच्चे आ रहे हैं किसी कोचिंग पे और दस में से अगर छह बच्चे ब्रिलियंट हैं रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट ही देता है ठीक है रिजल्ट हमेशा स्टूडेंट जो टीम होती है पढ़ाने वाली वो बेसिकली देखा जाए तो अपना पूरा प्रयास करती है अपने स्तर पे जो उसको सिलेबस दिया गया है वो समझाएगी बच्चे को अपना पूरा एफर्ट डालती है ठीक है तो मैं यहाँ पर अगर कुछ बात करूं तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वहां का फीस स्ट्रक्चर कितना है वहां की जो भी टीम है या जो भी फैकल्टी है बेसिकली ठीक है और कितने है? क्या हिसाब से भाई साहब आप एक क्यूरिकुलम सेट कर रखा है आपने या नहीं कर रखा है पहले दूसरे तीसरे चौथे महीने में मंथली प्लानर आप लेके चल रहे हैं या नहीं ठीक है मंथली पेरेंट्स मीटिंग आपके पास हो रही है या नहीं हो रही है ये सारी चीजें हम लोग कराते हैं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इतने टाइम से हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ये चीजें हम लोग देख रहे हैं अगर एक महीने में अगर आप पेरेंट्स से गेट टुगेदर तो करके उनके बच्चों की रिपोर्ट दो एक्सेल शीट में जो भी आपने वीकली टेस्ट लिए उनके नंबर अपडेट कराओ ताकि ग्रोथ रेट पता चलेगा बच्चे का कि बच्चे ने कितनी इंप्रूवमेंट करा है और आपने कितना ध्यान दिया है टीचर्स ने कितना ध्यान दिया है ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो आप वहां पर अपना बच्चे का एडमिशन कराए जरूरी नहीं है देखो क्लास सिक्स कोई क्लास सिक्स का सैनिक स्कूल का जो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है आप इंडिया में कहीं पर भी हो किसी भी स्टेट में अगर रह रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तो अगर आपको वहां पर ऐसे टीचर्स मिलेंगे यार फालतू में इतना एक एक डेढ़ लाख रुपए खर्च करके आप लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आपको वहीं पर सारी चीजें मिल जाएंगी बहुत बहुत ही छोटा सा सिलेबस है बस कराने वाले टीचर्स को फुल डेडिकेशन के साथ में कराना होता है ठीक है और अगर बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर बात करें सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि फीस स्ट्रक्चर मायने रखता है वहां का ठीक है उसके बाद में वहां की टीम मायने रखती है और प्रॉपर मंथली प्लानर के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चीज आपको माइंड में रखनी है और कभी भी पूरी फीस एक साथ या दो इंस्टॉलमेंट में नहीं देना है ठीक है कम से कम चार से पांच महीने का टाइम पीरियड लेके चले ठीक है चार से पांच महीने में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले आपसे फीस ले रहे हैं तो सफिशियंट है ताकि कम से कम ये हो कि अगर मान लो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो कम से कम हमारा पैसा तो बचे देखो फाइनेंशियली भी हमें सोचना पड़ता है ये सारी चीजें मायने रखती हैं यार अब हम कहने को कह सकते हैं कि नहीं यार पैसा गया तो गया तो लेकिन ऐसा नहीं होता यार एक आप कोचिंग चला रहे हो तो तो बेसिकली मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो बिजनेस नहीं है है ठीक माता सरस्वती की कृपा से हम लोग एक शिक्षा का संस्थान चला रहे हैं और हर इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं वो सभी ऐसा ही कर रहे होंगे ठीक है तो जितने भी पेरेंट्स हैं आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें ठीक है और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और बहुत जल्दी हम लोग अगर कुछ और नए क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं और नई जानकारी के हिसाब से तो हम लोग आपसे फिर से जल्दी एक वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और इसके अलावा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 2024-25 का हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोग पढ़ते रहें घर पर ही बैठ के यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट मिलने वाला बच्चों पढ़ते रहें टिल देन स्टे सेफ कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच